गणेश जी के तालाब में हो रहा निर्माण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गणेश जी के तालाब में किए जा रहे निर्माण कार्य को बंद करवाने को लेकर आज भाजपा पार्षद एवं प्रतिपक्ष नेता नगरपालिका सरवाड़ के बैनर तले आज उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को ज्ञापन सौंपा है। प्रतिपक्ष नेता प्यारेलाल खटीक ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि सरवाड़ नगरपालिका यात्री कर नाके के आगे दरगाह रोड पर गणेश जी के तालाब के अंदर पिछले दिनों से निर्माण किया जा रहा है, जिसका तत्काल उपनिदेशक महोदय और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पट्टा निरस्त किया जा चुका है, जिसका नगरपालिका कब्जा लेने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन दस्तावेजों के आधार पर गणेश जी के मंदिर के तालाब की पाल पर नियम विरुद्ध पट्टा लिया गया था, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। और इस मामले को लेकर इससे पहले भी पार्षदों ने ज्ञापन दिया था, लेकिन नगरपालिका प्रशासन मूकदर्शक बनकर बैठा है। पार्षद प्यारेलाल खटीक ने चेतावनी देते हुए बताया कि गणेश जी तालाब में किए जा रहे निर्माण कार्य अतिशीघ्र बंद नहीं किया गया तो बीजेपी पार्षद आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, फिर बीजेपी पार्षद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण आए दिन सरवाड़ शहर में हो रहे अवैध अतिक्रमणों को लेकर पूर्व में भी कई बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन न जाने क्यों मूर्खतापूर्वक बनकर देख रहा है। 5 दिन पहले यहाँ के कर्मचारी, कुछ पार्षद लोग, चेयरमैन अवैध कार्य को रुकवाने जाते हैं और ऐसा क्या हो जाता है, 6 दिन के वही निर्माण कार्य वापस वो लोग खड़े होकर वहाँ पर निर्माण कार्य चलवाते हैं, अवैध अतिक्रमण करवाते हैं। तो इससे लगता है कि ऐसा भ्रष्टाचार तो मैंने 15 सालों में, मैं लगातार 15 सालों से पार्षद, ऐसा भ्रष्टाचार तो मैंने किसी बोर्ड में नहीं देखा जिस तरह का भ्रष्टाचार इस बोर्ड में किया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण हो, अवैध टेंडर हो, संबंधित जो भी नगर पालिका के कार्य हो, ये लोग कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, जहाँ इनको लगता हो कि अपनी जेब भरने का मौका हो तो ये भर रहे हैं। और मैं प्रशासन से बार बार हम लोग अनुरोध करते आ रहे हैं, पिछले जब से बोर्ड बनाया 20 महीने से, पूर्व में भी हमने दही नदी के पास 200 फीट के अवैध मास्टर प्लान पर आए दिन शिकायतें करी थी। ये लोग 5 दिन बंद कराने गए, 6 दिन काम वहाँ पे पैसे लेके इन्होंने अवैध व्यावसायिक दुकानों का निर्माण उन्होंने करवाया। अब आज अभी प्रजेंट में यहाँ दरगाह रोड स्थित एक बेस कीमती भूखंड पर जहाँ अवैध 3-स्टार होटल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है, हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। अब्दुल रहमान बेनाम तालाब नालों पर ऐसे कार्य नहीं किए जा सकते हैं, फिर भी ये लोग कार्य करवा रहे हैं, प्रशासन मूकदर्शक बनकर देख रहा है। तो मेरे समझ के ये नहीं आ रहा कि प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है, ये कौन सा जंगल राज है। यहाँ के स्थानीय विधायक मोदी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार का जनता ने यहाँ विकास के नाम पे आपका बोर्ड बनाया है और यहाँ विकास तो केवल पार्षदों का, ये लोग भ्रष्टाचार करते कर रहे हैं, ऐसे अवैध निर्माण कार्यों को आप तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रशासन को सख्त आदेश दे रहे हैं, ऐसे गलत कार्यों का निर्माण रुकवाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे पार्षद प्यारेलाल जी, जिन्होंने अवैध निर्माण को लेकर आज ज्ञापन दिया है और यही मामला है जिसकी एक्सप्रेस न्यूज भारत ने प्रमुखता से खबर चलाई थी और खबर चलने के बाद में कार्य बंद हुआ था, लेकिन आज फिर ये कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी को लेकर आज बीजेपी के पार्षदों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सरवाड़ से इकबाल अहमद, एक्सप्रेस न्यूज भारत के लिए। जब तक ऐसे कार्य को प्रशासन ध्वस्त नहीं करेगा, हम लोग अभी चेतावनी दे रहे हैं, नहीं तो आने वाले समय में हम सब पार्षदगण आमरण अनशन पे बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, इसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।